Hi everyone, Namkeen Says team here. This is me, Mehak, और मेरे साथ है हिलमा. और आज हम लोग किस पे रिएक्शन दे रहे हैं? INS Vikrant first meet in India aircraft carrier starts sea trials. तो काफी ज़्यादा interesting video लग रहा है ये. Aircraft से related है तो हम सीधा start करते हैं और देखते हैं इस video में क्या है. नमस्कार और वेलकम टू अफेयर्स. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ हाल ही में आप सब लोगों ने सुना होगा कि INS विक्रांत के सी ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं और इंडियन नेवी ने एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मैजेस्टिक वीडियो यहाँ पर रिलीज़ करी है जो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा. सो यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत ही ज़्यादा प्राइड की मोमेंट है पूरे देश के लिए. हमने खुद एज ए नेशन बिल्ड किया है एक एयरक्राफ्ट कैरियर. दुनिया में गिनती के 6 से 7 देश हैं जो खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर सकते हैं. और यहाँ पे आप देखेंगे एक मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर. जंगल में हो सकता है कभी आपने शेर देखा हो किसी मूवी में या फिर किसी वीडियो में, अलग उसका एक रॉब होता है, अलग एक कॉन्फिडेंस होता है. सेम टाइप का कॉन्फिडेंस यहाँ पे आप देखोगे. इट लुक्स एब्सोल्युटली मैजेस्टिक. नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है सर, मैजेस्टिक मैजेस्टिक अपनी जगह है, मगर इसकी कॉस्ट क्या है? हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू बिल्ड इन इंडिया? तो इसकी टोटल कॉस्ट है रफली 3.5 बिलियन डॉलर्स, इंडियन रुपीज में आप कह सकते हैं रफली 23,000 करोड़ का हमको पड़ा है INS विक्रांत. अब यहाँ पे आप कहोगे दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. आई मीन हमारा देश अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सी नीड्स अभी पूरी करनी है. क्या इतना सारा पैसा एक मिलिट्री इक्विपमेंट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ, मेड इन इंडिया का फायदा यही होता है कि जो ये 3.5 बिलियन डॉलर्स है इसमें से मेजॉरिटी, सारा तो नहीं मगर मेजॉरिटी जो यहाँ पर अमाउंट है ये हमारे देश की इकोनॉमी में ही गया है. क्योंकि ओवरऑल 50 से अधिक जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर मिले थे टेंडर रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट. किसी मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर कुछ बनाया है, किसी और ने यहाँ पे कोई और कंपोनेंट बनाया है. और ओवरऑल इसको बिल्ड किया है कोचिन शिपयार्ड ने, भारतीय कंपनी है. और इसको यहाँ पर बनाते वक्त 2,000 इंडियंस को रोजगार मिला है और टोटल 40,000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिली है इनडायरेक्टली. तो ये सारा पैसा, ये सारा रोजगार आप कह सकते हैं 80-85% भारत में ही आया है. अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर सीधा हमने परचेज कर लिया होता रशिया से या फिर USA से तो सीधा सारा पैसा जाता उनकी जेब में. इससे पहले जो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज किया है फ्रॉम रशिया, जिसको हम आज के समय कहते हैं INS विक्रमादित्य, उसकी कॉस्ट थी 2.8 बिलियन, मगर वो हमने परचेज किया था 2008 में और वो थोड़ा सा एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट भी है. दिस इज वेरी मच ए न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर मेड इन इंडिया और बहुत सारा पैसा हमने अपनी ही इकोनॉमी में पंप किया है थ्रू दिस प्रोजेक्ट. और अगर हम बात करें टॉप स्पीड की तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की टॉप स्पीड है अराउंड 28 नॉट्स. लेंथ को आप अगर देखो तो 262 मीटर्स की इसकी लेंथ है. डिस्प्लेसमेंट वेट है इसका अराउंड 40-45,000 टन. और जब इसके सी ट्रायल हुए तो देश के PM ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है कि द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत designed by Indian Navy's design team and built by Cochin Shipyard Limited undertook its maiden sea trial. अब यहाँ पे आप देखोगे हर जगह सेम बात लिखी है, sea trial. ये sea trials क्या होते हैं? क्या ये aircraft carrier तैयार हो गया है, नेवी के पास पहुँच गया ये? तो इसका आंसर है नहीं. sea trial in very simple words होता है testing phase. तो यहाँ पर अभी हम test कर रहे हैं कि जब ये sail पर जाता है aircraft carrier तब क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कोई इश्यूज आते हैं. तो अभी के लिए सी ट्रायल्स हो रहे हैं, अभी इसकी डिलीवरी और कमिशनिंग होगी, उसके बाद ये बन जाएगा पार्ट भारतीय नौसेना का. और डिलीवरी और कमिशनिंग कब होगी? कमिशनिंग हम मान के चल रहे हैं इसकी हो जाएगी अगस्त 2022 में. तो एक और साल यहाँ पर लगेगा, उसके बाद इंडिया के पास ऑफिशियली हो जाएंगे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर. एक तो INS विक्रमादित्य ऑलरेडी हमारे पास है और दूसरा पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट INS विक्रांत. और दुनिया में मैं आपको ये बता दूं कि गिनती के देश है जिनके पास एक से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है. एक्चुअली एक एयरक्राफ्ट कैरियर वाले भी देश दुनिया में बहुत कम है. यहाँ पे आप देखोगे 8 कंट्रीज जिनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है आज के समय, USA, चाइना, इटली, UK, फ्रांस, इंडिया, रशिया, स्पेन. अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, जापान कहाँ पे है? यहाँ पे जापान का भी काफी बार सुना है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज में वो लेके आते हैं अपना एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर किसी टाइप का कैरियर तो वो लाते ही हैं. तो जापान यहाँ पर क्यों नहीं है? देखिए अब क्या हो रहा है कि दुनिया भर में जो भी लिस्ट बन रही है एयरक्राफ्ट कैरियर की, वहाँ पर उन कंट्रीज को काउंट नहीं करते जिनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर है. हेलीकॉप्टर कैरियर ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं. अगर आप बात करें हेलीकॉप्टर कैरियर की
तो वहां पे ये सब देश आएंगे। यूएसए के पास 10 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, जापान के पास है 4, फ्रांस के पास है 3, थाईलैंड के पास भी 1 हेलीकॉप्टर कैरियर है। और जो हेलीकॉप्टर कैरियर है ये दिखता है कुछ हद तक ऐसा। साइज में ये एयरक्राफ्ट कैरियर के आप कह सकते हैं 1/3 या फिर ऑलमोस्ट 50% के आसपास का होता है। और यहाँ पर जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। नाउ अब आप यहाँ पर पूछोगे कि जापान एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बिल्ड करता, ये हेलीकॉप्टर कैरियर क्यों बनाते हैं, वो भी 4 और यूएसए भी। देखिए जापान की रिसेंटली मैंने डिफेंस रिपोर्ट पढ़ी थी, उन्होंने वहाँ पर ये कहा, इनकी सोच है, जापनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स की सोच ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूजलेस है अनलेस आपको बहुत ही दूर अटैक करना हो। यूएसए के केस में एयरक्राफ्ट कैरियर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूएस को पूरा एक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, पैसिफिक ओशन, चाइना पे या फिर रशिया पे अटैक करने के लिए। मगर जापान ये मानता है कि उनके केस में एक बहुत ही छोटा सी उनको क्रॉस करना है, सी ऑफ जापान, और फिर चाइना के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट हो जाएगी, तो इनको एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता नहीं है। ये फोकस करते हैं हेलीकॉप्टर कैरियर पे क्योंकि ये लोग मानते हैं कि चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी सबमरीन्स, उनकी पनडुब्बी, और हेलीकॉप्टर से आप सबमरीन्स को हंट कर सकते हो। तो जापान ने बहुत सोच समझकर एयरक्राफ्ट कैरियर को इग्नोर करके सिर्फ फोकस किया है हेलीकॉप्टर कैरियर पर। नाउ ये सब सुनने के बाद आप पूछेंगे तो क्या इंडिया यहाँ पर गलत रास्ते पे है, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए ये बस जापान की थ्योरी है, एक्चुअली में कल को अगर एक बहुत बड़ी वॉर होती है तब उस वक्त पता लगेगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या यूज़ है, क्या उसका इम्पैक्ट होगा। इंडिया ऑफ कोर्स मान के चल रहा है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, मगर हमारे पास हेलीकॉप्टर कैरियर इस वक्त हैं 0। और मैं आपको ये बता दूं कि INS विक्रांत, इसका इनिशियली नाम था IAC-1। IAC-1 क्यों? IAC की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनस मतलब कि जो आपने खुद बनाया हो, और 1 इसलिए क्योंकि ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने खुद बनाया है। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा तो IAC-2 का भी प्लान है, तो देखिए एक प्रपोजल है कि IAC-2 भी बनाया जाए। INS विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम बना सकते हैं, मगर सरकार अभी के लिए इसको लेकर इतनी एक्साइटेड है नहीं। क्योंकि देखो जब आप बनाओगे एक एयरक्राफ्ट कैरियर साथ में आपको एयरक्राफ्ट भी चाहिए। अब अगर हम बात करें INS विक्रांत की तो उसके लिए हमने MiG-29 परचेज किया रशिया से, हम कमाओ हेलीकॉप्टर वहां पे डिप्लॉय करेंगे। सिमिलरली कल को अगर हम बनाते हैं एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको बनाने में ही आपके लग जाएंगे 25 से लेकर 26 हजार करोड़ रुपए। फिर उसके बाद इसके लिए आपको चाहिए होंगे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर आपको चाहिए होंगे, उसके एडिशनल आप मान के चल लीजिए 15 से लेकर 20 हजार करोड़ रुपए मिनिमम आपको खर्च नहीं होंगे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे खर्चा हो जाएगा आपका 40 हजार करोड़ का। तो सरकार अभी इसको लेकर इतनी एंथुजियास्टिक है नहीं, सरकार अभी के लिए फोकस कर रही है सबमरीन्स पर, मेड इन इंडिया सबमरीन्स। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट 75i को बहुत ही जल्दी फंडिंग मिल चुकी है, मगर इवेंचुअली मैं मानता हूँ कि भारत को सोचना होगा कि 2030 तक जो समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से हमारे पास क्या मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए या फिर 2 ही बहुत है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि 2030 तक भारत के पास होना चाहिए INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत और INS विशाल रेडी होना चाहिए, क्योंकि चाइना जिस स्पीड से एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहा है ये आराम से 5 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर देंगे 2030 तक। तो हम चाइना से बहुत पीछे हो जाएंगे इस मामले में, तो हमको यहाँ पर एटलीस्ट कुछ हद तक कैचअप करने की आवश्यकता है। अगर चाइना के पास होते हैं 2030 में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तो हमारे पास एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। और फिर यहाँ पे बात आती है टेक्नोलॉजी की। आपने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, जो भी यहाँ पर डिज़ाइन है INS विक्रांत का, ये डेवलप किया गया है बाय DND, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन। बिल्ड हम कर रहे हैं इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, जो अपने आप में एक सरकारी कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो ये सारा एक्सपीरियंस, ये सारी एक्सपर्टीज, क्या हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे इन द फ्यूचर कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर ना बना के? तो ये हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इतने लंबे समय के बाद तो हमारे पास फाइनली एक्सपर्टीज आई है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते कैसे हैं। तो आई थिंक टाइम आ चुका है कि इन द फ्यूचर भी हम एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को चाहिए होगा। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो INS विक्रांत के 76% जो कंपोनेंट्स हैं ये हैं मेड इन इंडिया, बाकी हमने काफ़ी इसके कंपोनेंट्स इंपोर्ट भी किए हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। तो जो ये 76% है इन द फ्यूचर इसको हम आराम से 85 टू इवन हो सकता है 90% में भी हम कन्वर्ट कर दें इसको। और फिर अगर बात आती है एयरक्राफ्ट की तो वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं कि क्यों ना
हम सिर्फ यहाँ पर मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट ही यूज़ करेंगे, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स ही यूज़ करेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम है, आई एम श्योर वी कैन मैनेज दिस। तो देखिए अभी के लिए तो देश वेट कर रहा है अगस्त 2022 का, जब इंडिया के पास ऑफिशियली आ जाएगा INS विक्रांत, एंड दिस विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट। एक और इससे इंडिया के पास पावर ये भी आती है कि कल को अगर मान लीजिए कोई आसियान देश है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस हैं, वो भी यहाँ पर भारत को कह सकता है कि प्लीज़ हमारे लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल में भारत के पास डेफिनेटली एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर भी आएगा किसी ना किसी देश के थ्रू, इससे हम विदेशी मुद्रा भी कमा पाएंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ ओवरऑल। और इन द फ्यूचर अगर INS विक्रांत से रिलेटेड कोई और डेवलपमेंट्स होती है तो मैं अपडेटेड वीडियोज़ भी लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का UPSC कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी और जनरल नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा था। इसने हर एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट में हमारे लिए क्या नीड है और फ्यूचर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और आने वाले वक्तों में जो है ना वो क्या क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, क्या ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसने सारी चीज़ों को एक समझ कर कितना अच्छे तरीके से बताया था। हाँ, चाहे वो अमाउंट से रिलेटेड हो और वो इवन उसने अमाउंट को भी कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया ताकि लोग है ना गलत ना समझे कि सारी कॉस्ट है ना पूरी जो आवाम की वो वही इन लोगों ने पूरे एक्सपेंस करके लाइक खर्च कर दिया है, जबकि उसने बताया उल्टा वो आवाम को भी गई उसमें से अच्छी खासी अमाउंट, क्योंकि वो उसमें लेबर वर्क वगैरह भी वो लोग कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा यानी इसकी वीडियोज है ना, इस पर हमने आई थिंक दूसरे टॉपिक्स ऑलरेडी किए में भी है। इसकी एक्सप्लेनेशन का जो वे है ना, जिस तरीके से डिस्क्राइब करके बताता है ईच एंड एवरी थिंग 1 to 1 point, यानी कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये स्किप करता हो, तो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी इस वीडियो की कि ना आपको पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताता है। इवन मुझे ये भी नहीं पता था एयरक्राफ्ट कैरियर एंड हेलीकॉप्टर कैरियर में लाइक फर्क क्या है, इसने वो बहुत अच्छे से अच्छे वे में बताया कि ना दोनों क्राफ्ट में ना फर्क क्या है। और मैंने तो ना हेलीकॉप्टर का जो एयरक्राफ्ट था वो फर्स्ट टाइम देखा था, मतलब जो उसने वीडियो में दिखाया था ना, क्योंकि बार बार ऐसा पिक्चर्स में देखते हैं क्लियर नहीं होता, हम टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं लेकिन वो भी इतने क्लियर नहीं होते। आज जो उन्होंने दिखाया था प्रॉपर पूरी वीडियो दिखाई थी हेलीकॉप्टर के साथ में किस पर्पस के यूज होते हैं, क्यों उनके पास नहीं, जैसे वो जापान का बताया था कि उसके पास है ना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और हेलीकॉप्टर क्राफ्ट है, कैरियर क्राफ्ट है, तो क्यों नहीं है, क्यों है, लाइक इस बहुत अच्छा लगा ये नहीं इस तरह हमारे लिए, लाइक ये तो बहुत ही अच्छी लाइक नॉलेज हो गई इन्फॉर्मेटिव जो नहीं पता था। तो वी होप कि वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और इस तरीके से हमें भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम भी जो है ना वो दूसरों को ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आगे स्प्रेड कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ और कोई वीडियोस की रिकमेंडेशन हो तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।